तो दोस्तों, अगर आप भी ग्रो ऐप के थ्रू SIP की हो और ग्रो ऑटो पे के द्वारा SIP इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो और किसी कारण से अपना ग्रो ऑटो पे को डीएक्टिवेट करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इंजन के देने वाला हूं और आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं किस प्रकार से आसानी से ग्रो ऑटो पे को डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो अगर अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं किस प्रकार से ग्रो ऑटो पे को डीएक्टिवेट करते हैं ग्रो ऐप में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्रो ऐप का ऑटो पे को डीएक्टिवेट करना काफी आसान है, बट आपको एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपके ग्रो एप्लीकेशन में SIP एक्टिव है वो सारे को रिडीम करके आपको अपने SIP को कैंसिल कर देना है, उसके बाद ही आपको अपने ऑटो पे को डीएक्टिवेट करना है। तो ऑटो पे को डीएक्टिवेट करने के लिए ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है और जैसे आप ग्रो ऐप के होम स्क्रीन में चले जाते हो तो नीचे में बिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको UPI सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद मैनेज UPI ID वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद राइट साइड में ऊपर में 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे में डीएक्टिवेट ग्रो UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे में डीएक्टिवेट ग्रो UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर डीएक्टिवेट ग्रो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अगर आपका एक्टिव SIP नहीं रहता है तो जैसे आप यहां पर डीएक्टिवेट ग्रो पे वाले ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपका ग्रो ऑटो पे जो है डीएक्टिवेट हो जाता है और अगर आपका SIP एक्टिव रहता है तो आपका ग्रो ऑटो पे डीएक्टिवेट नहीं होता है। तो फिलहाल में मेरा इस ग्रो एप्लीकेशन में SIP एक्टिव है जिसके कारण ये ग्रो ऑटो पे जो है डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो डीएक्टिवेट ग्रो पे वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शो कर दे रहा है कि आपका ऑटो पे जो है डीएक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि आपका SIP जो है एक्टिव है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से आप आसानी से अपने ग्रो एप्लीकेशन का ऑटो पे को डीएक्टिवेट करने के लिए प्रोसेस कर सकते हो। तो अगर अभी भी आपको मन में कोई कंफ्यूजन और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।